सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हाँ जी मैडम, मेरे 3-4 सवाल है मैडम जी, बताएं। कि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग है मैडम, 70 साल के, तो उनको पैरालाइज है, तो वो ना चेयर पे रहते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं, तो चल नहीं पाते हैं, वो टॉयलेट वगैरह भी ऐसे जाते हैं, तो जी। क्या वो जैतून का सिरका और जो आपकी ये लहसुन अदरक वगैरह से क्या वो ठीक हो सकते हैं या वो लाठी लेके चल सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है मैडम। और दूसरा सवाल है मैडम कि जैसे डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज होती है मैडम, उनको भी पेशाब की बहुत शिकायत होती है और नहीं है उसको भी होती है, तो उसका क्या रीजन है मैडम? जैसे हकीम भी किसी को चिलगोजा किसी कौन सी और अश्वगंधा बताते हैं मैडम, क्या एक उम्र के हिसाब से बताते हैं मैडम या ये कोई भी ले सकता है मैडम? और क्या शुगर में मीठा खाया जा सकता है मैडम? क्या चिलगोजा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जिन्हें बार बार यूरिन आता है क्या उनका टेस्ट आपने करवा दिया है? क्या उनको डायबिटीज की समस्या नहीं आई है? डायबिटीज की कोई समस्या नहीं है मैडम। चलिए ठीक है, उम्र कितनी है उनकी? उनको 52 है मैडम। ठीक है। और तीसरा सवाल है मैडम, जो ये टीम जी ने बताया मैडम कि, और आपसे मैं एक बार बताया था कि घूमर भी है तो मेरी गुड़िया की कांधे में झड़ जाएगी सर, तो वो झड़ नहीं रही, तो क्या मैं ये जो आप बताती हैं सोडा और ये चूना यूज कर सकती हूँ मेरी गुड़िया के लिए? किस चीज़? और सर एक घर में मैम एक सेकेंड, किस चीज के लिए इस्तेमाल करवा रही हैं आप अपनी गुड़िया को? मैडम उनकी ना घुमड़ी है, कान में ना घुमड़ी से निकल आई है मैडम, तो वो ना क्या चूना और कास्टिक सोडा में यूज कर सकती हूँ? कहाँ पे निकली है? कान के पास। हाँ जी हाँ जी सर। और चौथा सवाल है सर, कोई एक बढ़िया सा काजल मैडम। हाँ जी, मेरी गुड़िया की उम्र 22 साल की है मैडम। ठीक है। और मैडम एक काजल बताने के लिए मुझे अच्छा सा काजल, जैसे लोग पहले घरों में काजल बताते थे ना मैडम, तो एक ये बताएं। और एक क्या बताना है मैम? काजल। ठीक है। और एक मैम और सवाल है मेरा सर, एक बढ़िया सा कोई उपकरण बताए मेरी गुड़िया के लिए, उपकरण घर में कैसे बनाया जाता है? और एक सवाल है मेरा दीखा, आंवला का जो ये नुस्खा है सर, इसको उबालना है या मुझे इसको गर्म मतलब भिगो के रात को रख देना है? बस ये मेरे सवाल है मैम। थैंक यू मैम। ठीक है मैम। हाँ, आंवला के नुस्खे को आप भिगो कर इस्तेमाल करें, और अगर उबाल भी देंगे तो भी वही बात है, मकसद है कि वो उसमें पानी शामिल हो जाए और उसकी दवा बाहर आनी चाहिए पानी के ज़रिए, चाहे उबाल के करें या भिगो के करें, बात एक ही है। और शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी बहुत यूरिन आता है, और ऐसे कुछ लोग भी हैं जिन्हें यूरिन ज़्यादा भी आता है, तो वो चिलगोजे का इस्तेमाल पूछ रही थी, क्या दोनों कर सकते हैं? अच्छा देखिए, शुगर वाले को तो पेशाब ज़्यादा आता है और ब्लड प्रेशर वाले को ज़्यादा आता है, या उम्र ज़्यादा हो तब भी ये परेशानी आने लगती है, तो शुगर वाले को इस्तेमाल करना चाहिए गौन जामुन, तो इसमें ये भी सलाहियत है कि आपको बार बार पेशाब आने से रोकता है और शुगर को कंट्रोल करता है। अगर फिर भी किसी को फ़ायदा नहीं हो तो कई चीज़ें मैं बताता हूँ, किसी को बताता हूँ अलसी, अगर किसी को नुस्खा बनाना है तो अगर किसी को बार बार पेशाब आता है तो 2 चुटकी अलसी, 2 चुटकी लाजवंती और 1 चुटकी गौन चिलगोजा, ये नुस्खा है और ये पेशाब की जाति को रोकता है। अच्छा, जब हम उस हालत में होते हैं जब हमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तब भी हम ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, तो उसका काम यह है कि जल्दी से आपकी खून से नमक बाहर कर दे, और जब वो बाहर कर देती है गोली तो वो पेशाब के रूप में बाहर आती है, तो इसलिए भी पेशाब ज़्यादा आता है। तो मसाने की मजबूती के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है, और अगर शुगर का मरीज़ है तो वो
सिर्फ कौन जामुन लें, चाहे एक एक चुटकी दो बार ले सकते हैं, चाहे तो लाजवंती एक दो दो चुटकी साथ में ले सकते हैं, इससे भी उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अच्छा, बच्ची के जो यहाँ गांठ सी आप बता रहे हैं, देखिए अगर वो बाहर को निकली हुई है, जैसे ये होता है हमारे मस्से होते हैं, तो वो ठीक हो सकती है। तो उस पर वो सोडा और चूना लगा दें मिलाकर बराबर बराबर, या मार्केट में भी कुछ ऐसे एसिड आते हैं कि आप उस पर लगा दें तो वो सूख के झड़ जाते हैं। जी, काजल। हाँ देखिए, काजल तो बहुत मार्केट में बेहिसाब काजल हैं, लेकिन असल काजल मैं बताता हूँ कि एक पहाड़ है जिसको कोहेतूर कहते हैं, और वो पहाड़ चमकीला पहाड़ होता है, यानी उसका पत्थर काला होता है, और वो मार्केट में मिलता है, काफ़ी चमकीला सा काला एक पत्थर आता है। असल में उससे काजल बनना चाहिए, उसको हम शहद में मिला के बहुत खरल करते हैं, इतना खरल करते हैं, आजकल तो खैर मशीनें आ गई, पहले खरल किया जाता था, तो जितना बारीक कर लो इतना ही अच्छा वो काजल होता है। और वैसे भी खरल कर सकते हैं बगैर शहद के भी, तो चाहे काजल बनाना हो चाहे सुरमा बनाना हो, सुरमा बनाना हो तो बगैर शहद के करते हैं, और काजल बनाना हो तो शहद उसमें डाल देते हैं। और शहद भी अच्छा काजल है अगर आप सलाई से में भिगो के ऐसे लगाएं, तो शहद अगर असली है तो वो भी अच्छा काजल कहलाता है। आँखों को साफ करना मुराद है, आँखों को साफ करने के लिए जो मैं अक्सर नुस्खे बताता हूँ उसमें ये भी बताता हूँ कि एक चावल की बराबर फिटकरी और 100 ग्राम गुलाब जल लेके उसमें ऐसे हिला के मिला लें, ये भी काजल का काम करता है। जी, और बेटी के लिए क्या दुआ के लिए बोला था इन्होंने आपसे? चलिए, दुआ बेटी की सेहत के लिए आपकी तरफ से हकीम साहब। हाँ, बेटी के इनके वो था मस्सा टाइप कुछ, तो उसका तो मैंने इलाज बता दिया, और बेटियों के लिए हम लोग दुआ नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे। अब तो बेटियों के लिए हुकूमतें भी कहती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हम सब के साथ कहीं ना कहीं बेटी जुड़ी हुई है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि बेटियां ही नहीं पूरे संसार के लिए मेरे होठों से दुआ ना निकलती हो, ऐसा शायद कोई दिन कभी गया ही नहीं।